झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर एयरपोर्ट विवाद में भाजपा नेता मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे, कपिल मिश्रा सहित 5 लोगों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि इन लोगों पर उत्पीड़क कार्रवाई करने पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। और वहीं इस मामले में देवघर ने उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इंचार्ज को नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट झारखंड के हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। वहीं 3 नवम्बर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। वहीं सुनवाई के दौरान भाजपा नेताओं की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने अपनी बात रखी। प्रशांत पल्लव ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में पुलिस की ओर प्राथमिकी दर्ज कराने का अधिकार नहीं है, क्योंकि एयरक्राफ्ट एक्ट के धारा 11B के तहत DGC सहित अन्य वीर अधिकारियों से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बिना हाईकोर्ट के मामले को संज्ञान नहीं ले सकता है। इस मामले में एयरक्राफ्ट एक्ट प्रभावी होगा। ऐसे में मामले में ICP के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। बता दें कि एयरक्राफ्ट के नियम के तहत सूर्यास्त के आधे घंटे तक विमान को टेक ऑफ किया जा सकता है, लेकिन इस मामले में देवघर के उपायुक्त के कहने पर निशिकांत दुबे व उनके दोनों बेटे सांसद मनोज तिवारी पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसे रद्द कर देना चाहिए था। अब लगातार जो है इन मामले को लेकर अभी तक जो है बवाल मचा हुआ है। बाकी आप इन बवालों को लेकर और मनोज तिवारी को लेकर क्या कहेंगे, इसको लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।